बिजनेस के प्रैक्टिसेस सिखाई और मैंने उनको बिजनेस किस तरह से करना, अपने सेल्फ पे कैसे रहना और किसी के साथ मजबूर नहीं होना, इस बात पर मैंने उनको एम्पावर किया। और मैंने 1998 में हीरा ग्रुप को स्टार्ट किया और उसके बाद कंपनी अननेचुरल नहीं, नाचुरल रुपये भी नहीं है। फ्रॉड, फ्रॉड किसको कहते हैं? जो अमाउंट इलीगल हो, जो अमाउंट अनट्रेसेबल हो, जो अमाउंट का मैं हिसाब ना दे सके, वो फ्रॉड होता है। ऐसा अमाउंट तो 50 रुपये भी नहीं मिल सका। और मैं इससे ज़्यादा आपको कुछ बताना नहीं चाहती कि और सारे कोर्टों को ये बात पता है, जो बेसिक सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी हमने रिट पिटीशन में सारी चीज़ें जो है दाखिल किया है कि हमारे पीछे कौन है। और हम गलत किसी पर इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहते, लीगल तरीके से जो हमारे सामने आकर हमको डैमेज करे ही, और हमने कोर्ट को उनको लीगल तरीके से सबमिट किया है। मैम, जब आपने कर्नाटक के भंडारी कोर्ट से बाहर, मैम देखिए, इंटरेस्ट तो आप देखते हैं कि जैसे हमारी टौली चौकी की लैंड है, जो बहुत बड़ी एक लैंड है, उसके ऊपर मैं अरेस्ट होने के बाद, ईडी के अटैचमेंट के बाद, उस पर बड़े बड़े बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गए। क्यों? उनके ही एरिया में हुए। बाकी मेरे प्रॉपर्टीज बंजारा हिल में है, बाकी मेरे हाफिजेस बंजारा हिल्स में है, बाकी मेरे प्रॉपर्टीज कुकट पिल्ली में है, बाकी मेरे प्रॉपर्टीज हर जगह ही, वहाँ पर कोई हिम्मत नहीं कर सके डोर के तरफ नज़र भी उठाने की। मगर उनके एरिया में जो है वहाँ पर मेरे घरों में घुसे, और जैसे HS रेसिडेंसी है और बहुत सारे जगह पर, वहाँ पर मेरे चीज़ों पर जुल्म के साथ जो है उस पर प्रॉपर्टीज पर कंस्ट्रक्शन किया गया, बहुत सारे जुल्म हुए। और मैं जो अंदर जो तकलीफ पहुंची है वो मैं आपके सामने खुलकर नहीं बता सकती, जो उतनी तकलीफ मुझे 2012 से लेकर 2018 तक जो दिए, और 2018 से 2021 तक जो तकलीफ को मैं फेस की हूँ वो सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ। और आप समझ सकते हैं कि एक औरत पर इतना बड़ा प्रेशर होगा तो उसके लिए कैसी तकलीफ होगी। जी, मुझे देखो उनके पीछे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मेरे पीछे होंगे, मगर उनके लीगल FIR, उनका साइन, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके परफेक्ट चीज़ें देख कर के, जैसे FIR में कहते हैं इनको चेक करो, ये कंपनी ऐसी है, ये फ्रॉड है, फलाना है, फलाना है। अब जहाँ FIR कराते हैं वो सारे एरियाज में उनके लोग होते हैं, और वहाँ पर मुझे गलत बातें जो बैठ कर यूट्यूब पर बदनाम करते हैं वो लोग भी उनके लोग हैं। तो जब मैं फाइनल यही करूँगी, जो मेरे सामने नहीं आए मैं उन पर किसी पर भी इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहती। जी, मुझे कुछ भी मेरे से बातचीत नहीं हुई, और कौन रिजाइन किए ही, कौन विक्टिम एसोसिएशन, मुझे पता भी नहीं, क्योंकि विक्टिम एसोसिएशन रखने का परमिशन कौन सी एजेंसी से मिला है? जब एजेंसी लोगों को बुला रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लोगों को बुला रहे हैं, तो विक्टिम एसोसिएशन आप किसी के भी नाम का लेकर लोगों को यूज करके खोले, तो आज कोर्ट में फैसला होगा उस बात का, इंसाफ होगी कोर्ट में उस बात की कि गलत तरीके से जो लोग विक्टिम एसोसिएशन बनाकर लोगों को पैनिक क्रिएट करके, लोगों को गलत मैसेज दे के जो किए हैं, वो सारा डेटा हमारे पास है, कोर्ट में क्लियर होगा ये मैटर। जब आपको अरेस्ट किया गया तब से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने तक आपके और आपके लोगों ने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें मीडिया में फैला रहे थे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था तो हमने कहा, किधर भी नहीं देखा मीडिया में आपका, ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कि कवरेज ज्यादा नहीं मिला, हम लोग इसको क्या समझे? मैं तो उसके बारे में कुछ नहीं समझती, क्योंकि वो मीडिया की मर्जी होती है, जब चाहे जो चाहे वो छापे। और सुप्रीम कोर्ट का जब पॉजिटिव रिजल्ट आया, हाई कोर्ट का रिजल्ट भी आया, वो भी मैंने कहीं भी नहीं देखा। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जाकर ये सब अच्छे रिजल्ट हम देखेंगे। और दूसरी बात, जो गिन चुनकर जो 29 लोग थे जो FIR किए हुए थे टोटल कंट्री के अंदर, और इल्जाम लगाया जा रहा था 1,72,000 इन्वेस्टर, 5,600 करोड़, ये कहां से फिगर लिया? मेरे इनकम टैक्स के आईटी रिटर्न फाइल से 2-3 इयर्स का फिगर लेकर उन्होंने स्कैम बना दिया, जो इनकम टैक्स में लीगल सबमिट किया हुआ है मैंने टोटल चीजें, उसको फिगर को जो है स्कैम बताकर हर पेपर में, मैं हर अखबार में ये बात देख रही थी। मैं चाहती हूं कि फैक्ट को एक बार चेक करें, सच्चाई को एक बार चेक करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं था जो बता रहे थे, और फैक्ट को हाइड करना चाहते थे, सच्चाई को छुपाना चाहते थे। मगर ऊपर वाले का एहसान हुआ कि मुझे वापस मौका दिया कि मैं सच्चाई को आपके सामने बयान करूं। अब जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करें, आपने कहा था कि एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेल कर रहे थे हम,
पैसे नहीं दिए तो हम जी लोगों को तकलीफ दे। देखिए पिछले दिनों में काफी हमें ट्रेनिंग कॉल्स आए थे। जी नहीं, मैं आने के बाद में मैं किसी का कॉल भी रिसीव नहीं किया, मैंने किसी से। जी आप अरेस्ट होने के पहले जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट किए थे, आपने कहा था कि आपको बहुत सारे ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शनिस्ट जी बहुत सारे किए थे, तो डिमांड कर रहे थे, कौन थे वो? जो एफआईआर कराए थे वही थे, जो 2012 से मुझे सता रहे थे उनके ही ईमेल्स थे। और जो है जो भी ग्रुप था वो ओएसी साहब के तरफ से ही वो ग्रुप था जो मुझे सता रहा था, और हमेशा ट्रेडिंग कॉल्स करते थे, हमें बिजनेस करने नहीं देते थे। हमारे शोरूमों में जाने के वक्त में वहां पर कुछ इस तरीके के लोग आके खड़े हो जाते थे जो हमेशा परेशान करते थे हमारे लेडीज को, हमारे स्टाफ को। हमने कंप्लेन भी किया बंजारा हिल पुलिस स्टेशन में, हमने कंप्लेन भी किया हिमायत नगर पुलिस स्टेशन में, हमने कंप्लेन किया, मगर वो कंप्लेन पे कोई भी असर नहीं होता। 10 डेज में उनको क्लियर शीट मिल जाती है, ना इन्वेस्टिगेशन होता, ना उनको अरेस्ट किया जाता। तो फिर हमने छोड़ दिए और कोर्ट को जो है परफेक्टली कोर्ट में जो है वो चीज को ये करना शुरू किए, और जो जो हमें आए हैं वो ऑडियो के साथ और हम लोग प्रूफ के साथ कॉलिंग रिकॉर्डिंग के साथ हमने कोर्ट्स में सबमिट किया है। कितना पैसे पूछे थे मैडम? कितना पैसे पूछे थे? ब्लैकमेल कर रहे, ब्लैकमेल कर रहे थे, एक्सटॉर्शन के बात कर रहे आप, कितने पैसे पूछे? देखिए कितने पैसे करके बोले नहीं, कभी 20 करोड़ डिमांड किए, कभी 50 करोड़ डिमांड किए, कभी बोले ये लैंड हमारे को दे दो, और कभी बोले ये मीटिंग कर लो। बहुत सारे चीजें हैं जो मैंने सबमिट किया है कोर्ट में टोटल। मैडम हाउ इट ऑल स्टार्टेड विद असदुद्दीन ओवैसी, आपका रिफ्ट कैसा चालू हुआ एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम? मुझे नहीं पता कि वो कैसे स्टार्ट हुआ, एकदम अचानक 2012 में मुझे CCS ने बुलाया और कहा कि ओवैसी साहब ने डायरेक्टली आपके ऊपर FIR किया है, कोई और नहीं, डायरेक्टली FIR किया है। तो मैंने कहा कि वो तो हमारे इन्वेस्टर नहीं है और उनको मैं कुछ देना लेना भी नहीं है और उनका कुछ भी नहीं है, तो क्यों FIR किया है मुझे तो नहीं पता। उसके बाद उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया और करने के बाद क्लियर शीट जो है उन्होंने कोर्ट को सबमिट किया CCS ने। मैंने बोला कर लो इन्वेस्टिगेशन, मुझे कुछ भी बात नहीं है। तो उस वक्त में मुझे एंटीसिपेटरी बेल लेना पड़ा और मैंने एंटीसिपेटरी बेल सेशन कोर्ट से ली, और जब से जो है आज तक भी ये मसला कहीं ना कहीं उठता आता है। मगर मैं कभी भी गलत कमिटमेंट करने वाले नहीं हूँ और कभी भी सेटलमेंटों के लिए कबूल करने वाली नहीं हूँ। मैं इंशाल्लाह लीगल फाइट करने वाली हूँ, मैं लीगल फाइट करके कोर्ट से मैं इंसाफ लेके रहूंगी। मैडम आर यू गोइंग टू कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन एवरी मंडे? जी हेलो, बिल्कुल एवरी मंडे मैं कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन जा रही हूँ और मैं साइन कर रही हूँ। मैडम आप तो इंटरनेशनल वुमेन का अवार्ड मिला है। जी देखिए अभी मैं कंपनी की मीटिंग रखी हूँ, तो इसमें आप जो भी हमारे कंपनी के ताल्लुक से हैं उसके सवाल कर सकते हैं। मैडम जो ग्रुप है अभी मैंने क्लियर कर दिया है मैटर भी आपके ज्यादा क्वेश्चन करने से, मगर जो है आप उसमें पूछ सकते हैं सवाल। कौन-कौन होगा ग्रुप में वो, किसी का पर्टिकुलर नाम बोले नहीं कि 20 करोड़ किसने? अस्सलाम वालेकुम। जी देखिए मैं नाम वगैरह सब पर्टिकुलर नहीं बात कर सकती हूँ, अभी जो है आप कोर्ट में उसका एक प्रिंट आउट लेंगे तो मैं कोर्ट में सारे चीजें सबमिट की हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। जी just now you said that you are going to Kukatpally but Supreme Court has given unconditional bail जी बिल्कुल जो है उसके पहले जो है मैं वीकली जो जाकर साइन कर रही थी उस पर मैं बात किया जो कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दिया था इससे पहले वाले ऑर्डर में, अभी इस बार के ऑर्डर का मैं नहीं कर रही हूं बात। पॉलिटिकल मोटिव भी है क्योंकि उनको कभी कभी ऐसा वो इनसिक्योर फील करते हैं कि एक मुस्लिम महिला इतने आगे कैसे बढ़ सकती है, एक मुस्लिम महिला बिजनेस में इतना आगे कैसे जा सकती है, एक बुर्का पहनकर एक औरत ऐसे कैसे आगे बढ़ सकती है, जबकि कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि औरत आगे नहीं आ सकती, औरत स्टेज पे नहीं आ सकती, औरत अपना काम नहीं कर सकती, सिर्फ मर्द ही काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को तकलीफ हुई, मगर आज भी देश में मेरे काफी भाइयां मेरे साथ हैं जो एक बहन की इज्जत करने वाले, एक माँ की इज्जत करने वाले, एक बेटी की इज्जत करने वाले, उन भाइयों के सपोर्ट से, उन बहनों के सपोर्ट से मैं काफी आगे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ सकती हूँ। मैडम विल यू रिवाइव योर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी? जी आपका पॉलिटिकल पार्टी रिवाइव करेंगे? कभी मैंने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, अभी कोई इलेक्शन सामने नहीं है तो मैंने कुछ डिसीजन नहीं लिया है, जब इलेक्शन आएगा मैं डिसीजन लूंगी। मैम क्या ये हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो हैदराबाद लोकसभा सीट्स है उसमें आप कुछ
प्रयास कर रही थी क्या इस तरह से? जी जी, इस वजह और मैं इलेक्शन कमीशन से जो है टोटल लोकसभा सीट के लिए, असेंबली सीट के लिए अप्रूवल ले चुकी थी तेलंगाना के लिए। और आप चेक करते हैं तो 10th को मेरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, 10th अक्टूबर को, जिसमें मैंने अनाउंस किया था कि मैं जो भी तेलंगाना के 119 या 25 सीट्स है उसमें मैं मोर देन 100 सीट्स पे कंटेस्ट करूंगी, और मैं 10th को अनाउंस करती हूं और 14th को अरेस्ट होती हूं।